मीरा भयंदर नगर पालिका में पिछले 11 साल से सुरक्षा गार्ड उपलब्ध करा रहे ठेकेदार के राजनीतिक रूप से धन एकाधिकार को कम करने के लिए एमबीएमसी कमिश्नर ने महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा पालिका से सुरक्षा गार्ड के लिए कहा है। वर्तमान समय में 250 गार्डों में से 170 को तैनात किया गया है। वहीं पालिका ने नगर पालिका के सैन्य सुरक्षा कर्मियों की संख्या 2000 कर दी है। दरअसल 2010 में राज्य सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर सरकार के साथ साथ अपने अधिकार क्षेत्र के सभी सार्वजनिक निकायों के लिए इस पालिका से सुरक्षा उपाय करना अनिवार्य कर दिया था। हालांकि मीरा भयंदर नगर पालिका ने निजी जवानों को सुरक्षा मुहैया कराई थी। 2009 में पहला टेंडर देने के बाद सैनिक ने 2015 में फिर से टेंडर हासिल कर लिया था। 2018 में कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी टेंडर विस्तार पर है। आदेश में 511 सुरक्षा गार्डों का उल्लेख किया गया था, लेकिन फिर वही संख्या बढ़कर 982 हो गई है। महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा पालिका MSSC सुरक्षा गार्डों को नियुक्त करने के लिए अनिच्छुक रहा है, क्योंकि कुछ नगर सेवकों, नेताओं और प्रशासन के अधिकारियों का एक सार्थक इसमें हाथ बताया जा रहा था। इसके अलावा सुरक्षा गार्डों के खिलाफ कई आरोप हैं, जिसमें ड्यूटी पर सुरक्षा गार्ड और सुरक्षा गार्ड के प्रावधान के बीच अंतर और तथ्य यह है कि सुरक्षा गार्डों को नगर पालिका द्वारा चार्ज किए गए वेतन से कम भुगतान मिल रहा है। शुक्रवार को कोर्ट ने मीरा भयंदर उमराव सिंह ओसवाल के खिलाफ दायर एक मामले में अग्रिम जमानत नहीं दी है। जब यह खबर हुई कि हॉर्नेट बिल्डिंग के रजिस्ट्रेशन के दौरान दायर नगरपालिका निर्माण अनुमोद नक्शा फर्जी था, तब यह जमानत नहीं का फैसला आया है। 1966 में नगरपालिका ने नक्शे की मंजूरी दी थी और निर्माण की अनुमति दी थी, लेकिन नक्शे की मंजूरी के अलावा अन्य अनधिकृत नगरपालिका द्वारा बिल्डिंग के निर्माण को अधिभोग प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया था। श्री जॉय मैथ्यू की शिकायत पर पुलिस ने उमराव सिंह ओसवाल के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आरोपी ने अग्रिम जमानत के लिए थाने कोर्ट में आवेदन किया था, जिसे शुक्रवार को बर्खास्त कर दिया गया है। मुस्लिम समुदाय को शिक्षा रोजगार में 10% आरक्षण दिया जाना चाहिए। मीरा भयंदर में मुस्लिम समुदाय के प्रतिनिधियों की ओर से अतिरिक्त तहसीलदार नंद किशोर देशमुख को एक बयान जारी कर मुस्लिम समुदाय में शिक्षा और सरकारी नौकरियों में पिछड़ने को दूर करने के लिए भर्ती और सारथी दर्ज पर एक प्रशिक्षण अनुसंधान संस्थापन स्थापित करने की मांग की गई है। महाराष्ट्र के विभिन्न जिलों और तालुका में मुस्लिम आरक्षण के बंद में बयान दिए गए हैं। इस सिलसिले में मीरा भयंदर में सुल्तान पटेल, अजीम तंबोली, हाशिम शेख, सिराज सिद्दीकी और मुस्लिम आरक्षण संघर्ष समिति के अन्य लोगों का एक प्रतिनिधिमंडल मुस्लिम आरक्षण को लेकर अतिरिक्त तहसीलदार को कहा है कि न केवल देश में बल्कि राज्य में भी मुस्लिम समुदाय के साथ बुरा व्यवहार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बेकसूरों को जान से मार दिया जाता है। मुस्लिम समुदाय को मुस्लिम अत्याचार अधिनियम के तहत सुरक्षा कानून के रूप से संरक्षित किया जाना चाहिए। जिला स्तर पर मुस्लिम क्षेत्रों के लिए छात्रावास स्थापित किए जाने चाहिए। स्कूली पाठ्यक्रम में सामाजिक विविधता पैदा करने के लिए पाठ्य चर्चा तैयार की जानी चाहिए। इसके अलावा बयान के माध्यम से अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थानों में शिक्षकों की भर्ती और अनुदान की मांग भी की गई है।